वाड़ी नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 5 शिवाजी नगर में चल रहा डामरीकरण सड़क निर्माण को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने स्थानिक नागरिकों के साथ शनिवार को रोका गया। बीते 15 साल से सड़क नहीं बनाई गई, अब डामरीकरण के काम को लोगों ने विरोध जताया। शिवाजी नगर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, यहाँ पर रोजाना भारी वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में डामरीकरण पर 21 लाख रुपए की लागत से बन रहा 400 मीटर सड़क का निर्माण डामर से हो रहा है, जो कुछ ही दिनों में खराब होकर पूरा पैसा पानी में जाने की बात मनसे के तहसील संगठक दीपक ठाकरे ने जताई। अभियंता पाटिल मैडम ने शुक्रवार को सड़क निर्माण का लेआउट डाल दिया। शनिवार को जब ठेकेदार अपनी जेसीबी गाड़ियां लेकर काम को शुरुआत की, वैसे ही स्थानिक नागरिक काम पर पहुंचे व काम को बंद करने को कहा। जब तक सीमेंट सड़क नहीं बनेगी तब तक काम नहीं करने का फरमान मनसे के अध्यक्ष अनिल पारखी ने किया। यदि काम शुरू किया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी गई। शनिवार होने से नगर परिषद कार्यालय बंद है। आला अधिकारियों को काम की सूचना दी गई, लेकिन कोई अधिकारी साइट पर नहीं पहुंचा। आखिर ठेकेदार ने अपना काम बंद कर घर लौटे। नागपुर तालुका संगठक दीपक ठाकरे, अध्यक्ष अनिल पारखी, वाड़ी शहर अध्यक्ष संदीप माने, सचिव अश्विन कोडपे, सूरज भलावी, गणेश यादव, सुनील खुजरिया, दिलेश फुलसंगे, राकेश समुद्रे, बिट्टू सिंह, लीलाधर कुड़ापे, सुभाष घाटोले, पंजाबराव सिलोकर, अमित निम्बोयकर, गवरीताई दास, पंचफूला धुर्वे, मोजसे दास, प्रमोद ढोके, जसपाल कौर, यशोदा तलमले उपस्थित थे। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।